बात को समझता है। एक कहावत सुना करता हूं अक्सर कि एक बाजरा होता है और एक छाछ होती है। बाजरे में अगर दूध को डाल दिया जाए, उसकी खिचड़ी बनाई जाए तो बनती नहीं है, बाजरा नीचे बैठ जाता है, दूध ऊपर आ जाता है। लेकिन छाछ के साथ अगर उसको दलिया उसका बनाया जाए तो बन जाता है। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है कि जो छाछ है वो भी पिटती है, जो दही होती है ना जिससे दूध चलाते, तो वो पिट पिट के अच्छी तरीके से पिट जाती है, और जो बाजरा होता है उसको भी मूसल से कूटा जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कुटुंब कुटुंब का मेल, यानी जो कुट जाता है तो दूसरा कुटा हुआ उसकी भावना को समझ सकता है। यानी कि एक व्यक्ति जिसका अपमान हुआ हो, यानी किसका अपमान हुआ हो, जिसका अपमान हुआ यानी जिसे सादिना से लात मार के निकाला, यानी फूले दंपति वो पिटे थे यानी बेइज्जत हुए थे, तो उनकी बातों को उन्होंने इज्जत और समानता के लिए और समान सम्मान के लिए जो बातें लिखी उन्हें हम पिटे दबे कुचले लोग ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। और हमारी आंदोलन और हमारी मुक्ति का आंदोलन सिर्फ अंबेडकर फूले विचारधारा के, इसके अलावा कोई नहीं। अब आपको एक गीत से जोड़ता हूं, आपको गीत से ले जाता हूं और बताता हूं कि आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल कैसे होगा। बाबा साहब को कैसे हम उनके सपनों का, जो भारत का निर्माण होना है उनके सपनों के आधार पर, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे एक कविता गीत के माध्यम से वैसे करता हूँ, क्योंकि म्यूजिक होता तो फिर मैं आपको दूसरी तरीके से देता, गीत के बोलों पे गौर फरमाएंगे तो आप तक आपके दिल तक पहुँचूंगा। वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, दुनिया भी कहे कुछ है, दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवान जुबान में। गर्भ भीम नहीं होते
अपनी जुबानों में दुनिया भी कहे कुछ है, दुनिया दुनिया भी कहे कुछ है, तुम भीम दीवान। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।